हेलो दोस्तों, साल 1999 में फिल्म आई मिथुन दादा की आया तूफान। कश्मीर में बिगड़े हुए हालात हैं, तो एक मेजर हैं जिनको इस हालात को सुधारने के लिए फिर से बुलाया जाता है और वो आतंकवादियों के गिरोह में शामिल हो जाते हैं ताकि इन हालातों से निपट सकें। मिथुन दादा के किरदार का नाम ही तूफान है, उनके नाम से ही ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में मिथुन दादा के साथ में आदित्य पंचोली, गुलशन ग्रोवर, रवि किशन, मानवी गोस्वामी, महेश आनंद जैसे कलाकारों ने काम किया है। साथ में उनके साथ हेमंत बिरजे, जो कि उस जमाने के सबसे हैंडसम और डैशिंग स्टारों में नज़र आते थे, मतलब उनका नाम सुमार था, वो भी उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अगर हम बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, तो दीपक बलराज विज ने इसको बनाया था। दीपक बलराज विज ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने जान तेरे नाम बनाई थी, जिसमें कि रोनित रॉय नज़र आए थे। ये रोनित रॉय की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखेगा, हम लाख छुपाएं प्यार मगर, वही वाला गाना इसमें चेपा गया था, बहुत ही खूबसूरत गाना। लौटते हैं इस फिल्म पे, तो फिल्म में जो है आतंकवाद का मुद्दा दिखाया गया है और किस तरह से कश्मीर के हालात ख़राब हैं, हमेशा ख़राब रहते हैं, तो उस टाइम भी ख़राब थे जब भी फिल्म बनाई गई थी। और 1.5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म तकरीबन 1.72 करोड़ का बिजनेस किया था। दीपक बलराज विज ने इसको निर्देशित किया था, ये तो हम पहले बता चुके हैं। बाकी फिल्म की जो रेटिंग है वो 5.2 की है, ठीक ठाक रेटिंग है। इस फिल्म को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख डालिए। मिथुन दा की कई बेहतरीन फिल्मों में, कई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में ये शुमार की जाती है, और जो लोग उस समय रवि किशन को भोजपुरी से पहले जानते थे वो इन फिल्मों के ज़रिए जान पाएंगे कि उनकी भी भूमिका इस फिल्म में है। बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो बहुत ही अहम है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।